नमस्कार दोस्तों, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि ऐसे पशुपालक भाई के ब्रीड के ऊपर जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजे ताकि मैं और भी पशुपालक भाइयों के साथ इन रिजल्टों को शेयर कर सकूं और भी जो युवा पशुपालक भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग में जो है अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं वो इससे जो है इंस्पायर होकर अच्छी ब्रीडिंग जो है कर सकें। तो सबसे पहले उस पशुपालक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने जो है इतनी अच्छी ब्रीडिंग करके इस तरह से जो है एक बुल या जो है कह लीजिए काफ तैयार किया है। तो वो पशुपालक भाई को मैं बताना चाहूँगा, वो पशुपालक भाई कहाँ से है। वो पशुपालक भाई है, उनका गांव पड़ता है बेलरखा, जो कि नरवाना डिस्ट्रिक्ट और नरवाना तहसील और जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। उनका नाम है मोहित। तो सबसे पहले मोहित भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतने अच्छे तरीके से HLDB के बुलों से जो ब्रीडिंग करके आपने इतनी अच्छी भैंस और इतना अच्छा जो है कि यंग बुल तैयार किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। तो अब जो इन्होंने मेरे पास रिजल्ट भेजे हैं वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपको चैनल स्क्रीन पर जो बुल दिखाई दे रहा है इस बुल का उन्होंने नाम रखा हुआ है रॉकी। और रॉकी बुल की जो आप जो देख रहे हैं चैनल स्क्रीन पर इसकी वीडियो देख रहे हैं, इसकी हाइट मैं पहले आपको बता दूं, इसकी हाइट है 5.25 इंच, 5 फुट 2.5 इंच इसकी जो हाइट है। और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/2019 है। तो अब ये बुल जो है अक्टूबर में पूरे 2 साल का हो चुका है। रिजल्ट आपके सामने है HLDB के बुल का। और जो इसका फादर है जो आपको चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका सायर है PC 427 बुल, जिस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। तो देख सकते हैं हो भू डिटो कॉपी आपको PC 427 की जो रॉकी बुल लग रहा है। और जो इसका मदर साइड से मैं आपको बता दूं, इसकी मदर जो आप चैनल स्क्रीन पर वीडियो इन्होंने मेरे पास भेजी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। इसकी मदर ने फर्स्ट लैक्टेशन में 14+ दूध निकाला है, 14 किलो से ऊपर दूध निकाला है। और अब की बार ये प्रेगनेंट फिर है 5-7 दिन में, जैसा कि उस भाई ने मेरे को बताया है 5-7 दिन में इसकी डिलीवरी होने वाली है। और डिलीवरी जो अब की बार ये प्रेग्नेंट है M 319/218 वो बुल जो HLDB का 319/218, उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। तो जिस भाई ने वो नहीं देखे हो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो M 319/218 बुल में आपको चैनल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वो बुल है जिससे अब की बार ये प्रेग्नेंट। और इस भाई का कहना है कि अब की बार ये 19+ से ऊपर दूध निकलवाने की उससे जो है कोशिश करेंगे। तो इसी तरह अगर और भी जो युवा पशुपालक भाई हैं जिन्होंने ब्रीडिंग करके अच्छे तरीके से मेहनत करके भैंस तैयार की है और एक जो है बुल तैयार किया, तो आप भी मेरे पास वीडियो भेज सकते हैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर, ताकि मैं और भी पशुपालक भाइयों के साथ इसको शेयर कर सकूँ और भी पशुपालक भाई जो इससे इंस्पायर हो सकें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इसकी माँ है इस रॉकी बुल की, ये भी HLDB की ही है। HLDB की किसी बुल से इसका रिकॉर्ड नहीं है, HLDB की किसी बुल की ही बेटी है ये भी। तो देख सकते हैं HLDB के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं। तो जो भाई ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं HLDB का सीमन यूज़ करके आप भी इसी तरह से जो है अच्छी भैंस और बुल तैयार कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये थी एक छोटी सी वीडियो HLDB के बुलों के ऊपर। तो जिन भाइयों ने HLDB का सीमन यूज़ किया हुआ है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं कि बुल कैसा और कैसा आपने सीमन यूज़ किया है। और जो पशुपालक भाई चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। और जिन पशुपालक भाइयों के साथ के पास किसी भी बुल के रिजल्ट आए मेरे जो है व्हाट्सअप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और भी पशुपालक भाइयों के साथ इनके रिजल्टों को शेयर कर सकूँ।